नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आइए हम बात करते हैं कि आरजेडी ने अभी अपने दो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और कांग्रेस में क्या पेच फंसा हुआ है जानते हैं। यहाँ के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं फरकू झा जी, इनसे प्रवक्ता साहब। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम हो गया है कि अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट की घोषणा आपको पहले फेज में कर दी गई थी, जो हम लोगों को 9 मिला है। फेज वाइज हम लोगों का ये था, तो आज हमारा सीईसी बैठ रहा है, राहुल जी पूरा व्यस्त थे, कल बिहार में थे, बंगाल में थे, आप देखे होंगे, रात में लौटे हैं, 10 बजे दिन से वहाँ बैठक के दौर चालू है। अभी हमको जस्ट वहाँ से खबर मिली है कि यहाँ पीसी हो रहा है, आप जाइए वहाँ पर और आपको इतना बात बोलना है। आखिर मैंने कहाँ पर पेज फंसी हुई है? कोई फेस कहीं फेस नहीं फंसा हुआ है भाई, हमारी पार्टी का एक प्रक्रिया और नियम है, उस नियम के तहत वहाँ कैंडिडेट का घोषणा माना होगा और आपको 4 बजे तक बता दिया जाएगा। आरजेडी से लेकिन आप बैकफुट पे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमको बैकफुट नहीं, हमको जो सीट मिला है महागठबंधन में वो हम बैकफुट पर नहीं है। तो हरकू झा जी का साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों का जो जो प्रोसीड्योर है उसके तहत दिल्ली में अभी नाम फाइनल किया जा रहा है। हालांकि आरजेडी ने अपने दो संसदीय क्षेत्र पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और 3 सीट जो दूसरे चरण में कांग्रेस को मिला हुआ है उस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, नामों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। अब देखना है कि कब तक ये लोग फाइनल कर पाते हैं।